उत्तर प्रदेश के समाजवादी परिवार में जारी घमासान के बीच सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को रामगोपाल यादव पर जमकर निशाना साधते हुए पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मुलायम के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी की एकता में कोई रुकावट नहीं बन सकता। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। जी जी। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं। उनका तो है पास क्या बता? मैंने कि मेरे पास कार्यकर्ता संघर्ष किया जिला है जिले का तीन ट्रैक्टर हुए वो जनता जिन्होंने समर्थन दिया जल्दी बुधवार करना है। मुलायम ने सपा की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि हम पार्टी को एक रखना चाहते हैं। हम ना तो पार्टी का नाम बदलेंगे और ना ही चुनाव निशान। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, जो था वो दे दिया। मेरे पास सिर्फ कार्यकर्ता बचे हैं। जनता की बदौलत हम नेता बने हैं। अब जनता और कार्यकर्ता पार्टी को एकजुट रखेंगे। कैमरा पर्सन आशीष कुमार के साथ तत्सत शुक्ला, जनमत न्यूज, लखनऊ।